good evening my all dear student welcome back to my youtube channel neha tiwari study motivation today i will discuss about the second part of reproduction in organisms for class 12 students and it is your first chapter in your biology students as you can see easily on your mobile screen students सो so, आज के क्लास में स्टूडेंट हम लोगों का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आज का हम लोगों का सेकेंड सेशन है और इस सेकेंड सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को अच्छे से कवर करेंगे ओके okay. क्या क्या रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसके पहले स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में लाइफ स्पिन के बारे में अच्छे से पढ़ा था लाइफ स्पिन क्या होता है बेसिकली आपको सिंपल से डेफिनेशन लर्न होना चाहिए द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गनिजम्स रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टूडेंट्स उसका जो बर्थ से लेकर डेथ के बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को ही लाइफ स्पेन कहते हैं बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को ही क्या कहते हैं लाइफ स्पेन कहते हैं जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अच्छे से एन बुक के अकॉर्डिंग कवर किया हुआ है कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक दिस डैट हैिवेन इन अ बुक स्टूडेंट्स आपके बुक में एन सी आर टी बुक में गिवेन है जो डिफरेंट टाइप्स के आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो डिफरेंट होता है तो वही आपका यहाँ पे मेंशन है फिगर वन पॉइंट वन में अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स दिया गए हैं उनके अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन आपको डिस्कस किया गया है फर्स्ट लेक्चर में तो आज के क्लास में इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ओके okay? आज का हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से है रिप्रोडक्शन सो so, आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पास अगर एन बुक है तो आप एन बुक ओपन करके अपने पास रखेंगे और मेरे साथ अच्छे से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ओके सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्सन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्सन जो होता है स्टूडेंट वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कैसी प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गनिज्म गिव राइस टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट आपका रिप्रोडक्शन जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ही जैसे न्यू यंग वंश को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे न्यू यंग वंश को प्रोड्यूस करते हैं यंग वंश का मतलब होता है स्टूडेंट जो कि ब्रैकेट में गिवेन है ऑफ स्प्रिंग इसका मतलब होता है डॉटर सेल तो अपने ही जैसे डॉटर सेल्स को फॉर्म करते हैं कौन जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आफ्टर दिन क्या होता है द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग इसके बाद स्टूडेंट जो ऑफ स्प्रिंग आपकी प्रोड्यूस हुई है ना वो ऑफ स्प्रिंग फिर से ग्रो करेंगी मैच्योर होंगी एंड ये फिर से अपने जैसे न्यू ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म करेंगी ओके सो स्टूडेंट ये समझेंगे कॉन्सेप्ट हम लोग कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने ही जैसे सिमिलर न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं उसके बाद क्या होता है अब ये जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है आफ्टर दिस सम डेज ये न्यू ऑफ स्प्रिंग ग्रो करेंगी मैच्योर होंगी एंड फिर से ये टर्न टर्न का मतलब फिर से ये अगेन अपने जैसे न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगी सो स्टूडेंट दस दियर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ रिप्रोडक्शन Enables the continuity of the species generation after generation. Very most important, student. आपका जो ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशन हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही जो साइकिल होता है स्टूडेंट यही आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन एस्पीज को कंटिन्यूसली बनाए रखती है कहने का मतलब आप लोग एन बुक के अकॉर्डिंग अच्छे से ध्यान दीजिए अपने बुक्स में अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को दस ऑफ स्प्रिंग ग्रो मेच्योर इट टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग ग्रो करेंगी मेच्योर होंगे ये फिर से अपने ही जैसे न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमने अंडरलाइन किया हुआ है ओके आफ्टर दिन क्या होता है स्टूडेंट अब यहीं से रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्सन इनेबल्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेसन आफ्टर जनरेसन रिप्रोडक्शन जो होती स्टूडेंट वो अनेबल करती है क्या अनेबल करती है कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेसन आफ्टर जनरेसन किसी भी लिविंग ऑर्गनिजम्स का उसका स्पेसिफिक जो एस्पेसीज होती है उस एस्पेसीज को जनरेसन आफ्टर जनरेसन कंटिन्यूस रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो होता है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस रिप्रोडक्शन प्रोसेस सो वही यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवेन है जो कि हमने अंडरलाइन किया है आप लोग देख रहे हो रिप्रोडक्शन अनेबल द कॉन्टीन्यूटी रिप्रोडक्शन जो है वो अनेबल करती है किसको द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पेसीज एस्पेसीज को कंटिन्यूस बनाए रखती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओके यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ़ इन्हेरिटेंस एंड वेरिएशन जिसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग इसके पीछे चैप्टर्स एक चैप्टर आप लोगों को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ इन्हेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें बेसिकली क्या डिस्कस किया गया है हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड कैसे कोई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और कैसे वो इनहेरिटेड होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन तो इसको हम लोग स्टूडेंट चैप्टर फाइव में पढ़ेंगे तो यहाँ का हम लोगों का आज का पॉइंट नहीं है तो आज के डेट में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ओके आफ्टर देन स्टूडेंट डियर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिजम्स हैज इवॉल्व इट्स ऑन मैकेजम टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूज ऑफ स्प्रिंग ओके इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स दियर इज़ ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड हम लोगों के बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही लार्ज है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाए जाते हैं ओके okay? तो लार्ज डाइवर्सिटी है जो हम लोगों का बायोलॉजिकल वर्ल्ड है एंड ईट ऑर्गनिज्म हैिज टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूज ऑफ स्प्रिंग और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेजम्स हैं हर एक ऑर्गेजम्स का अपना एक स्पेसिफिक ओन मकानिज्म होता है खुद का मकानिज्म इन्वॉल्व होता है किस लिए इन्वॉल्व होता है मल्टीप्लाई करने के लिए एंड प्रोड्यूज ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए तो आपको पता है मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन जब भी किसी नंबर का करते हैं तो उसका नंबर इंक्रीज होता है तो सेम वही कंडीशन यहां पर होता है कि जो सेल होते हैं उनमें मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई का मतलब सेल डिवीजन होना ओके सॉरी <coughs> स्टूडेंट सो so, मल्टीप्लाई होगा सेल डिवीजन होगा आफ्टर देन सेल डिवीजन के बाद स्टूडेंट क्या होता है नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग ओके तो हर एक ऑर्गेनिजम्स के अपना मैकेनिज्म होता है ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई उनका खुद का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है एंड आफ्टर देन वो न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं ओके आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट Its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनका हैबिटेट हैबिटेट का मतलब निवास स्थान कि कोई भी जो स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके नियर अबाउट का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है इन्वायरमेंटल सिचुएसन कैसा है तो वही होता है स्टूडेंट उसका हैबिटेट निवास स्थान एंड इट्स इंटरनल फ्यूजियोलॉजी इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है हम लोग फिर से समझेंगे द ऑर्गनिज्म हैबिटेड एंड इट्स इंटरनल फिजिलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स जो ऑर्गनिज्म होते हैं उनका हैबिटेड निवास स्थान इट्स इंटरनल फिजिलॉजी इंटरनल फिजिलॉजी यू नो स्टूडेंट अलॉट ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन साइड द ह्यूमन बॉडी एंड दैट इज अ हाउ इंटरनल ऑर्गेन्स फॉर्म द हाउ मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व कम्बाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म द कम्पलीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी रिलेटेड टू योर इंटरनल फिजियोलॉजी ओके डिफरेंट डिट्स ऑफ ऑर्गेन प्रेजेंट डेट है डिफरेंट डिफरेंट वर्क लाइक योर रिस्पायरेसन सिस्टम लाइक योर सिस्टम लाइक योर सर्कुलेशन सिस्टम है ना तो इस सबके सब आपकी स्टूडेंट इंटरनल फिजियोलॉजी से कंसिस्ट करते हैं किससे कंसिस्ट करते हैं इंटरनल फिजियोलॉजी से ये रिफर्ड करते हैं ना एंड सेवरल अदर फैक्टर्स इसके बाद सेवरल अदर फैक्टर्स का मतलब मैनी अदर फैक्टर्स जो होते हैं जो कि हम लोग के इन्वायरमेंटल सिचुएशंस में प्रेजेंट होते हैं आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट्स रिप्रोड्यूज ये सब के सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं अंडरस्टैंड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस करते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो मोस्ट ऑफ़ दी ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स ये थ्री मोस्टली फैक्टर आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कि कैसे कोई आपके जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में तो कैसे कोई ऑर्गेनिजम्स में रिप्रो प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है ना तो हाउ इट्स रिप्रोड्यूस ये रिस्पांसिबल होते हैं कलेक्टिवली सबके सब कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं हाउ इट्स रिप्रोड्यूस कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं आफ्टर देन स्टूडेंट बेस्ड ऑन वेदर डियर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू इन द process of reproduction it is of two types where offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation the reproduction is asexual the reproduction is ए सेक्सुअल वेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गार्मेंट्स इट इज यू कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट आपके इस बेस पर कि कितने पेरेंट सेल इन्वॉल्व हैं रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है सो so वही राइट है बेस्ड ऑन वेदर दियर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू कहने का मतलब पार्टिसिपेट कितने ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं वन कर रहे हैं या टू कर रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू इस बेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपके रिप्रोडक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है व्हेन ऑफिस प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इनवॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन द � जब किसी भी ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन जो होता है जब भी कोई ऑफ स्प्रिंग या डॉटर सब प्रोड्यूस होती हैं बाई ए सिंगल पेरेंट सेल किसके थ्रू बाई ए सिंगल पेरेंट सेल कहने का मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट केवल एक पेरेंट का होगा या तो मेल या तो फीमेल दोनों पेरेंट सेल नहीं होती हैं तो एक ही पेरेंट सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन बिना इन्वॉल्व मतलब यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन ही नहीं ही होता है यहां पे किसका फॉर्मेशन नहीं होता है गैमिट का फॉर्मेशन ही नहीं होता स्टूडेंट द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा आपका एसेक्सुअल होगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग अच्छे से समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको हम फिर से इरेज कर रहे हैं और फिर से आपको समझा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्शन क्या है सिंपल सा है वेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाई ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉलमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल ना आपका जो ऑफिसप्रिंग की प्रोडक्शन हो रही है अगर वो सिंगल पेरेंट के थ्रू हो रही है और जिसमें गैमिट का इन्वॉलमेंट नहीं है गैमिट की फॉर्मेशन नहीं है और मे भी हो भी सकती है लिखा है ना पेरेंट विथ और विदाउट मतलब यहाँ पे गैमिट की फॉर्मेशन हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है ध्यान देना यह नहीं शोर है कि नहीं ही होगी हो भी सकती लिखा ना विथ और विदाउट द इनवॉलमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन मतलब गैमिट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो रि... ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इन्वॉल्वमेंट सिंगल पेरेंट सिंगल पेरेंट होंगे एंड विथ विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमिट यहाँ पे आपका जो गैमिट का इन्वॉल्वमेंट है गैमिट का जो फॉर्मेशन है वो विथ और विदाउट है मतलब विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन गैमिट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसी को ही हम लोग कहते हैं ए रिप्रोडक्शन ना बट यहाँ पे आपको ध्यान देना ए का मतलब ही होता है सिंगल ए ना तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं कैसे पेरेंट होते हैं सिंगल पेरेंट जस्ट इसका अपोजिट होता है व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है मेल एंड फीमेल बोथ गैमिट्स का और आपको पता है जब मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं तो जायगोट को फॉर्म करते हैं यू नो किसका फॉर्मेशन होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वही यहाँ पर मैंसन है इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स मेल एंड फीमेल गैमिट्स आपस में कंबाइंड होंगे जायगोट फॉर्म करेंगे तो इसी को ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है टू पेरेंट सेल होते हैं अपोजिट सेक्स होता है टू पेरेंट सेल इन्वॉल्वमेंट एंड अपोजिट सेक्स होगा एंड आफ्टर देन स्टूडेंट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गायमिट का फ्यूजन होता है जाइगोड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर देन आपका जाइगोड जो होता है वो फीटस में कन्वर्ट होता है फीटस में कन्वर्ट होने के बाद इन अ मदर वोम इन साइड द मदर वोम फीटस में कन्वर्ट होने के बाद तब ये आफ्टर दिस सम डेज डेली डे उसमें क्या होता है स्टूडेंट आफ्टर दिस सम डेज डेली आपका जो फिटस होता है वो ग्रो करता है एंड बेबी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है आफ्टर दिन स्टूडेंट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे ए सेक्सुअल -sex, रिप्रोडक्शन अभी हम लोगों ने सिंपल से पढ़ा In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. Are these offspring likes to be genetically identical or different? The term colon. <coughs> And the term calone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals both are important student ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इन दिस मैटर ए सिंगल इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल का मतलब आपका जो पेरेंट सेल है वो पेरेंट सेल ही कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ स्प्रिंग को कहने का मतलब आपका जो सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट सेल है उसके अंदर ही कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है ओके okay? अब इसमें होता क्या है एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग डैट आर प्रोड्यूज आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन एंड अदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी आपके न्यू ऑर्गनिजम्स फॉर्म होते हैं ना वो केवल जेनेटिकली ही आइडेंटिकल नहीं होते हैं वो जेनेटिकली ही आइडेंटिकल नहीं होते वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की उनकी जो पेरेंट सेल होती है ना वो एग्जैक्ट उन्हीं की जैसे सिमिलर दिखते हैं एग्जैक्ट उन्हीं की कॉपी होती हैं सो so, वही यहाँ पे राइट है कि ऑफ स्प्रिंग डाटा आर नॉट ओनली आइडेंटिकल वो केवल आइडेंटिकल नहीं होते हैं केवल सेम नहीं होते हैं वो एग्जैक्ट उनकी कॉपी होती हैं आर दीज लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट ये जेनेटिकली आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी आपके न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होंगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं टर्म कालोन इज यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल एक जो कॉलोन होता है कॉलोन का मतलब जैसे हम लोग कॉलोनी पढ़ते हैं ना कॉलोनी का मतलब क्या होता है ग्रुप होता है तो उसी प्रकार से एक टर्म कॉलोन होता है ना जिसको हम लोग क्लोन भी बोलते हैं क्लोन सो so स्टूडेंट जो क्लोन होता है इज यूज टू डिस्क्राइब सस मार्फोलॉजिकल क्लोन का यूज हम लोग किसके लिए यूज करते हैं डिस्क्राइब द मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल जो कि आपके मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं क्लोन तो इसी के लिए क्लोन को ही डिस्क्राइब किया जाता है ओके अब जैसे कि आपके फिगर में मेन्सन है आप लोग देख रहे हो अच्छे से पहले इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में येस yes. नो इट इज ए क्लियर फॉर यू ओके फिगर वन पॉइंट टू देखेंगे अच्छे से फिगर वन पॉइंट टू सेल डिविजन इन यूनि ऑर्गेनिजम्स पहला जो है वो है बडिंग इन ईस्ट पहला बडिंग इन ईस्ट बी है बाइनरी फिजन इन अमीबा ये बी वाला है ये वाला पार्ट बाइनरी फिजन इन अमीबा तो पहला हम लोग देखेंगे ये आपको पैरेंट सेल दिख रहा है अब पेरेंट सेल में बडिंग जो कि आपका पहला एक यार बडिंग इन ईस्ट ये आपकी एक ईस्ट की सेल है किसकी सेल है बच्चों ईस्ट की सेल है ये पेरेंट सेल आपको दिख रही है उसके बाद ये आपको ईस्ट दिख रहा है ये पूरा आपका ईस्ट का सेल है ईस्ट में सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हो बड देख रहे हो सबसे पहले बड बनना स्टार्ट करता है उसके बाद बड क्या करता है स्टूडेंट ये ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं जब स्टूडेंट ये ग्रो एंड मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपने पेरेंट सेल को लीव कर देते हैं अपने पेरेंट सेल को छोड़ देते हैं और जब ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं तब ये जो बड है ये जो बड है स्टूडेंट ये आपके नए इश्त को प्रोड्यूस करते हैं किसको प्रोड्यूस करते हैं नए इश्ट को प्रोड्यूस करते हैं एक बार फिर से समझेंगे आपका स्टूडेंट फर्स्ट जो है वो क्या है budding in east ईस्ट में जो है बडिंग जो कि आपका ईस्ट कैसा है अमीबा कैसा है यूनि सेलोर है यूनि मेड अप ऑफ ऑनली सिंगल सेल तो ये जो यूनि ऑर्गेनिजम्स है आपका ईस्ट एंड अमीबा इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है ओके सो देखिए सबसे पहले हम लोग ईस्ट में समझेंगे ये आपका एक ईस्ट का पेरेंट सेल है अब इस ईस्ट के पेरेंट सेल में क्या होता है सबसे पहले बर्ड निकलना स्टार्ट होता है ओके okay, बर्ड जो कि हम यहाँ पर सर्कल कर रहे हैं अब ये बर्ड स्टूडेंट आफ्टर दिस सम डेज ग्रो करेंगी मेच्योर करेंगी ग्रो करेंगी मेच्योर हो जाएंगी और जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो ये अपने मदर सेल से क्या होती हैं अलग हो जाती हैं जब ये बर्ड मदर सेल से अलग हो जाती हैं स्टूडेंट तब ये न्यू ईस्ट सेल को फॉर्म कर देती हैं न्यू ईस्ट सेल को प्रोड्यूस कर देती है अब ये जो न्यू ईस्ट सेल प्रोड्यूस हुई है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे न्यू ऑफ स्प्रिंग सेल ऑफ ईस्ट ना तो ये तो ईस्ट के कंडीशन में था अब हम लोग बी वाला देखेंगे बी हम लोगों का क्या है बाइनरी फिजन इन अमीबा अमीबा में कैसे बाइनरी फिजन होता है ओके okay? ये वाला पार्ट अब हम लोग देखेंगे ये ये आपका एक अमीबा का सेल है बी वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो किसका ये एक अमीबा का सेल गिवेन है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है बेसिकली अब देखिए होता क्या है इसमें ये आपका अमीबा का सेल है आपको पता है कोई भी जो सेल होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस होता है क्या होता है न्यूक्लियस होता है ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस है ना अब न्यूक्लियस देखिए क्या हो रहा है ये बीच में ये सेंटर में आ गया एकदम सेंटर में आ गया सेंटर में आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है कैरियोकाइनेसिस द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ना सेल डिवीजन के समय जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसी को ही बोलते हैं कैरियो काइनेसिस कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है काइनेसिस का मतलब ही होता है ब्रेक होना ओके okay? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है यहाँ पर आपको शो हो रहा है आफ्टर देन स्टूडेंट अब ये जो न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं ना तो ये जो अमीबा का सेल है सेल का साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होता है सारे बच्चों को पता है तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस भी इनका क्या करते हैं सिपरेट होना स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं सिपरेट होना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो कंप्लीट आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ यहाँ पे देख रहे हो कंप्लीट पहले यहां पे यहां पे ये वाला पार्ट देखो न्यूक्लियस अलग हो गया ये वाला न्यूक्लियस अलग हो गया अब उसके बाद स्टूडेंट जब कंप्लीट न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं अमीबा सेल के अंदर तो ये दोनों न्यूक्लियस जब कंप्लीट इनका ग्रोथ हो जाता है तो ये दोनों अपने जो अमीबा सेल होता है उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के हेल्प से अलग हो जाते हैं अलग होने के बाद यहाँ पे आप देख लो एक अमीबा सेल था अब यहाँ पे दो अमीबा सेल हो गए ना तो एक ही न्यूक्लियस से यहाँ पे न्यूक्लियस में डिवीजन

न्यू डॉटर सेल फॉर्मड हो जाती हैं